हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। आज की वीडियो में हर हर महादेव फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हर हर महादेव फिल्म को इंडिया बॉक्स ऑफिस पर दिवाली के मौके पर यानी 30 अक्टूबर 2022 को मराठी भाषा में रिलीज किया गया था, जिसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषा में डब किया गया था। कुल मिलाकर फिल्म को 5 भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म में आपको एक्शन, ड्रामा, युद्ध देखने को मिलने वाला है। फिल्म की कास्ट की बात करें तो इसमें आपको सुबोध भावे, हिमांशु झा, मोहन जोशी, शरद केलकर, शरद पोकेशे, मिलिंद शिंदे देखने को मिलने वाले हैं। अभिजीत श्री देशपांडे हर हर महादेव फिल्म के डायरेक्टर है। सुनील राजा राम फड़ताले फिल्म के प्रोड्यूसर है। हर हर महादेव फिल्म 15 से 20 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुई। एमआईडी पर फिल्म को 10 में से 7.5 की रेटिंग मिली है, जो अक्षय कुमार की राम सेतु और अजय देवगन की थैंक गॉड से बेहतर है। कमाई के मामले में भी फिल्म ने 2 बड़े फिल्मों को पछाड़ दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म को लगभग 1200 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, वही फिल्म का प्रमोशन नहीं किया गया था। अगर फिल्म का प्रमोशन करते तो शायद दिवाली के समय पर अभी तक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन सकती थी। पहले दिन यानी ओपनिंग पर हर हर महादेव फिल्म ने लगभग 2 करोड़ रुपए की कमाई की। दूसरे दिन फिल्म ने 1,17,00,000 रुपए की कमाई की थी। तीसरे दिन फिल्म ने 94,00,000 का बिजनेस किया था। चौथे दिन फिल्म की कमाई 73,00,000 रही। शनिवार यानी 5वें दिन फिल्म एक बार फिर से कमाई में बढ़ोतरी देखने को मिली। आज फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 6ठे दिन और आज फिल्म ने 2 करोड़ की कमाई कर ली है। 5 दिन का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 6 करोड़ हो चुका है।